पर एक महिला है जिसके अंदर एक रोग हो जाता है, इसे बोल जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब ये प्रॉब्लम उनके अंदर होती है जो क्या नहीं करते हैं, आरएस पॉजिटिव नेगेटिव का मिलान नहीं करते, उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होने के बाद उसके अंदर पहला बच्चा जन्मा, पहला बच्चा जन्मेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेफ होगा। अब ये कंडीशन किसके अंदर होगी, ये कंडीशन उसके अंदर अक्कर होगी, देखो, जिसका आरएस पॉजिटिव तो कौन है, पुरुष है, कौन है, पुरुष है, और आरएस नेगेटिव कौन है, फीमेल है, क्या है, फीमेल। ठीक है, इनसे पहला बच्चा जन्मेगा वो तो क्या होगा, फर्स्ट बच्चा, ठीक है, वो तो क्या होगा, सेफ होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब सेकंड बच्चा जन्मेगा, ये है सेकंड, वो क्या जाएगा, मर जाएगा, क्या जाएगा, मर जाएगा, जैसे डिलीवरी होगी उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब मरा क्यों हूँ, क्योंकि इसके अंदर पहला जब बच्चा जन्म रहा था ड्यूरिंग पार्सुरेशन, उसके अंदर क्या हुआ कि जैसे ही प्लेसेंटा टूटता है वहाँ से जो एंटीबॉडी होती है बच्चे के अंदर होता है, बच्चा तो कैसा होगा, आरएस पॉजिटिव होगा, जो पिता का होगा वही बच्चे के अंदर आरएस पॉजिटिव है, उसकी जो एंटीबॉडी है वो किसके अंदर चली जाएगी, फीमेल की बॉडी के अंदर, ये है इसकी एंटीबॉडी चली गई। अब ये जैसे सेकंड बच्चा इसके अंदर जन्मेगा तो ये वापस इसके अंदर चली जाती है और इसके विरुद्ध क्या हो जाता है, इसके अंदर जो खून की कमी है, बहुत सारे इसके अंदर रोग हो जाते हैं और सेकेंड उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती, मर जाएगा। अब ऐसे तो प्रॉब्लम आ गई, तो क्या किया जाता है, जैसे पहला बच्चा जन्मता है फर्स्ट बच्चे के बाद में जो नर्स होती है वो कुछ तो भाई इसका समाधान होना चाहिए, सब थोड़ी ना कि आरएस पॉजिटिव नेगेटिव देख के ही करेंगे शादी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो फर्स्ट आपका बच्चा जन्मता है उसके बाद में क्या किया जाता है, आपके कुछ आपके टीके लगाए जाते हैं, उसका नाम आपको ध्यान रखना है कि एनटीडी हो गया, ठीक है, और रोगम हो गया, ये क्या किए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी, तो उसके बाद में तुरंत टीका लगाया जाता है ताकि जो इसके अंदर विरुद्ध एंटीबॉडी बनी हो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तुरंत टीका लगा देते हैं ताकि ऐसी कंडीशन ही नहीं बने। ठीक है, हर बार उसके विरुद्ध जैसे ही पार्सुरेशन होता है तो क्या लगा देते हैं, ये टीका लगा देते ताकि ऐसी कंडीशन नहीं आती। अब इस रोग को क्या बोला जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, क्या बोला जाता है, इस रोग का नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, क्या बोला जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, फिटेलिस, ठीक है, क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंदर ही होगा, जिसके अंदर आरएस पॉजिटिव पुरुष है, आरएस नेगेटिव क्या है, फीमेल। अब इसको ऐसे भी लिख सकता है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, वो आपको ध्यान रखना, आरएस की जगह कुछ भी लग सकता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव जो भी। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस थोड़ा नाम बड़ा है, तो आप दो बार प्रैक्टिस करोगे तो